For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Well, इन दिनों सलमान खान की दबंग 3 से ज्यादा चर्चा तो उनकी E 2020 की फिल्म को लेकर चल रही है। इनिशियली भाईजान अपनी फिल्म दबंग 3 की शूटिंग के बाद सीधे संजय लीला भंसाली की इंशाल्लाह की शूटिंग शुरू करने वाले थे, पर अब जो ये प्रोजेक्ट टैंक हो गया है, फैंस के मन में सलमान खान की अगली फिल्म को लेकर कई सवाल है। इन सभी फैंस की खुशी के लिए भाईजान ने कुछ दिनों पहले ये कन्फर्म कर दिया था कि वो अपनी अगली फिल्म के लिए भी कोरियोग्राफर टर्न फिल्म मेकर प्रभुदेवा के साथ ही रियोनाइट होंगे। कहा जा रहा था कि ये फिल्म भी एक कॉप बेस्ड फिल्म होगी, जो कि कोरियन फिल्म द आउटलॉस का ऑफिशियल रीमेक होगी। सूत्रों के अनुसार इस फिल्म का टाइटल होगा राधे, इंडियाज मोस्ट वांटेड कॉप। वेल, टाइटल भी मिल गया और फिल्म का सब्जेक्ट भी। तो अब फैंस को जानना है कि इस फिल्म की लीडिंग लेडी कौन होगी। पहले तो इस फिल्म के लिए अनुष्का शर्मा का नाम सामने आ रहा था, पर फिर अचानक एक सूत्रों के अनुसार हमें ये पता चला है कि सलमान और उनकी टीम इस प्रोजेक्ट के लिए भाईजान की भारत को स्टार दिशा पाटनी को रोप इन करना चाहते हैं। फिल्म भारत में सलमान खान और दिशा पाटनी की जोड़ी को फैंस ने बेहद पसंद किया था, और अब अगली ईद पर भी इन दोनों को एक साथ देखकर भाईजान के फैंस की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा, है ना?